स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता आनंददाता प्रभु, आपण सर्वज्ञ एवं सकल जगतर सृष्टिकर्ता अटंती। आपणकर सही वरणीय पूजनीय पाप ताप विनाशक विज्ञान स्वरूप को आम माने ध्यान करूछु, जहाँकि आंभर बुद्धि प्रकाशित हुंती। आपण सर्वदा आम मानकर बुद्धि प्रकाशित हुंतु एवं आम मानंकु सत्मार्ग रे परिचालित करंतु। नमस्कार, मु सुरेश कुमार महापात्र, भारतीय योग संस्थान ओडिशा पांच मुख्य। आपण मानंकु आजर योग प्राणायाम कार्यक्रम को स्वागत करुछि। आज आम गोटे ठिया आसन करवा, से उत्कट आसन। यही उत्कट आसन को प्रदर्शन कराइवापी मुमर भौणी तथा साधिका शुभस्मिता को अनुरोध करुच्ची, से आपण मानक प्रदर्शन करेंगे। उत्कट आसन आम दुई गोड़े यही आसन करने ठिया हो रहा। दुई गोड़ मध्य एक फुट देढ़ फुट खंडे दूरता टिके रखिबे, एवं दुई हाथ देह सहित लगे रखिबे। धीरे धीरे दुई हाथ को बांकु डाहाण को करी ऊपर को उठातु। पूर्ण स्थिति रे आपणकर दुई हाथ प्रणाम मुद्रा को चली जीव। दुई हाथ को प्रणाम मुद्रा रखी प्रथमे श्वास भरी टिके देह को ऊपर को टाणतु। श्वास छाड़ी धीरे धीरे चौकी बसिला भली धीरे धीरे अंटा को तल को दाबंतु, दबे रखंतु अंटा को तल को। पूर्ण स्थिति रे आमर आंठू जंघ तल को दबी रहिब। पुणी श्वास भरी धीरे धीरे ऊपर को उठिबे। एथिरे चेष्टा करिबे आपण जंघ जेते तलू को दबिबो आपण शरीर रे सेते प्रभावित शरीर हेबो। पुणी श्वास भरी टिके टाणी हेबे, श्वास छाड़ी पुणी धीरे धीरे तल को बसिबे। आम आंठू जंघ टिके समान रहिबो, जेते तल को दबे कि निजुक रखिपारे कि शरीर सीधा रहा देह को सीधा रखिंट सी दुई हाथ सीधा रही कौनी भांगे पापुली मिसी र्वास भरी पुणी धीरे धीरे ऊपर को उठिबे। एथिरे आमर आंठू जंघ प्रभावित होमर मेरुदंडर तल पार्श्व ए प्रभावित हो। पुणी आउ थरे धीरे धीरे से क्रिया को करंतु। एबे मु आमर भौणी शुभस्मिता को कहुची, से टिके गोटे पार्श्वरु दर्शक मानू देखांतु, टिके बुली जांतु डाहाण पट को, कारण गोटे पार्श्वरु देखिले आपण जानिपारिबे किपरि आमे ए आसन टी को ए जो उत्कट आसन को आमे करुचे। आपणकर श्वास भरी देह को टिके टाणी हेबे, श्वास छाड़ी धीरे धीरे तल को बसिबे। मन रखु जो मानकर आंठू दोष अच्छी सी करें, कारण आंठू दोष लोक जदि करेंगे आंठू बेसी प्रोब्लेम हो, एक तो लिगामेंट डिस्टर्ब थी पुणी कले बेसी प्रोब्लेम हे, कि अने भल भाव अभ्यास करेंगे एमर शरीर में रोग प्रतिषेधक शक्ति बढ़ रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़षदोष दूर हे, खंजार दरज गुड़िक कम धीरे धीरे ऊपर को उठातु। याकु मध्य अभ्यास कले आमर ब्रह्मचर्य वृद्धि हेबो। पिला मानक पाई या गोटे बहुत सुंदर आसन, दी हाथ को तल को नहीं आसतु, कारण पिला माने तांकर ब्रह्मचर्य को जदि से माने ठीक भावे बजाय रखिबे ताहले से माने शारीरिक स्तर रे मानसिक स्तर रे एवं सामाजिक स्तर रे जने उत्तम नागरिक हो पारिबे। तेणु प्रत्येक पिला मानकु जो माने एबे उत्तम नागरिक अच्छा आग को आस नागरिक होमर ताकू आम बुझेबार अच्छी,
ସେମାନେ ଏହିସବୁ ଆସନକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଏ ଯେଉଁ ଉତ୍କଟ ଆସନକୁ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ଏକରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଜଙ୍ଘ ଏସବୁ ଠିକ୍ ରହିବା ସହିତ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଠିକ୍ ହେବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ପାଚନ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଷ୍କାସନଙ୍ଗ ଜନିତ ଦୋଷ ଦୂର ହେବ, ଯେଉଁ ଖଞ୍ଜାରେ ଦରଦ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କମିବ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ ରହିପାରିବ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ହେଉଛି ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଫଳରେ ଯିଏ ଯେତେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ସେମାନେ ସେତେ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବେ, ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଉତ୍କଟାସନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରକୁ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆମେ ଏକ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ହୋଇପାରିବା। ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଠିଆ ହେବା ଆସନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଏବେ ଆମେ କରିବା ବୀରଭଦ୍ରାସନ। ବୀର ଭଳି ଏବଂ ଭଦ୍ର ଭଳି ଏହି ଆସନଟି ଥିବାରୁ ଏହା ନାଁ ହେଉଛି ବୀରଭଦ୍ରାସନ। ଏହି ଆସନକୁ କେବଳ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହାଇ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଥିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସାଇଟିକିଆ ଦୋଷ ଥିବ, ମେରୁଦଣ୍ଡ ଜନିତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ ସେମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନେ ୟାକୁ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ବହୁତ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ ଲାଭ ପାଇବେ ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ବୀରଭଦ୍ରାସନ କରିବାକୁ ଯିବା। ଏଇ ବୀରଭଦ୍ରାସନକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରେଇବେ ଆମର ଭଉଣୀ ଶୁଭସ୍ମିତା, ଆମର ସାଧିକା ଆସନ ଉପରେ ସେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଦୁଇ ହାତକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ପ୍ରଣାମ ମୁଦ୍ରାକୁ ନେଇଯିବେ। ଡାହାଣ ଗୋଡ଼କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପଛ ଆଡ଼କୁ ନେବେ। ବାମ ଗୋଡ଼ର ଆଣ୍ଠୁକୁ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗିକି ରଖିବେ ଯେମିତି ତାହା 90 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡକୁ ଉପରକୁ ବଙ୍କେଇବେ, ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସେଇ ପ୍ରଣାମ ମୁଦ୍ରାକୁ ଦେଖିବେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଶୁଭସ୍ମିତା ଭଉଣୀ। ବୀରଭଦ୍ରାସନ ସେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ବୀରଭଦ୍ରାସନ କଲେ ଆପଣ ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର ହେବ, ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଲୁମ୍ବର୍ସ ବକ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି L1 to L4 ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ସେଇ ପିଠିର ତଳ ଅଂଶ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପିଠି ଦୋଷ ଦୂର ହେବ। ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଧୀରେ ଧୀରେ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼କୁ ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତୁ, ବାଁ ଗୋଡ଼ ସିଧା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୁଇ ହାତକୁ ବାଁକୁ ଡାହାଣକୁ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେହ ପାଖକୁ ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣ୍ଠୁ ଏବଂ ଆମର ଚକଟି ଯେଉଁ ହାତର ରିଷ୍ଟର ଦୋଷ ଦୂର ହେବା ସହିତ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, ସଶକ୍ତ ହେବ। ପୁଣି ଏହି କ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ପାଖେ କରିବା। ବାଁ ଗୋଡ଼କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପଛ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଡାହାଣ ଗୋଡ଼କୁ ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ ଯେମିତିକି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇପାରିବ। ଦୁଇ ହାତକୁ ବାଁକୁ ଡାହାଣକୁ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଣ୍ଡକୁ ପଛ ଆଡ଼କୁ ମୋଡ଼ିକି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଣାମ ମୁଦ୍ରା ଉପରେ ରହିବ, ମେରୁଦଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବିତ, ପିଠିର ସମସ୍ତ ମାଂସପେଶୀ ସକ୍ରିୟ, ମେରୁଦଣ୍ଡ ଉଭୟ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସ୍ନାୟୁଗୁଡ଼ିକ ଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବିତ, ଆଣ୍ଠୁ ଜଙ୍ଘ ଅଣ୍ଟା ଏସବୁ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବ। ଆମେ ବୀରଭଦ୍ରାସନ କରିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଫେରି ଆସିବେ, ଗୋଡ଼କୁ ଆଗକୁ ନେଇ ଆସିବେ, ବାଁ ଗୋଡ଼କୁ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ସିଧା, ଦୁଇ ହାତ ତଳକୁ। ଆପଣ ଏହି ବୀରଭଦ୍ରାସନକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ
मुमर भौणी शुभस्मिता को कहूँ से आपन को गोटे पार्श्वरु प्रदर्शन कराइबे भौणी टिके डाहन को बुली जातु एबे आपणकर डाहन गोड़ को अधिकर अधिक पछ को नियंतु दुई हाथ को बांकु डाहन को करी धीरे धीरे ऊपर को नियंतु दुई हाथर पापुली को जोड़ी दे प्रणाम मुद्रा करंतु मुंड को पछाड़ को मोड़ी रखंतु एवं दृष्टि आपणकर प्रणाम मुद्रा रहिबो आगरे बां गोड़ आंठु भांगी रखंतु एवं ताकु 90 डिग्री पोजिशन रे रखंतु देखंतु गोटिए पार्श्वरु आमर भौणी शुभस्मिता आपणकु प्रदर्शन कराउछंती वीरभद्रासन पिठीर जंत्रणा एथिरे संपूर्ण दूर हेबो पेट मध्य प्रभावित होउछि जाफले पाचन शक्ति मध्य सुदृढ़ रहिबो श्वास छाड़ी धीरे धीरे प्रथमे डाहाण गोड़ फेरे आणंतु बां गोड़ सीधा दुई हाथ को बां को डाहाण करी फेरे आणिबे जेतेबेले हाथ ऊपर को उठे कि ऊपर आड़ को चाहुचंती सेतेले आपण श्वास को भरिबे एवं जेतेबेले तळु को दाबी के रहउचंती दबी के देह को दबी के तळु को रखचंती आंठु को भांगी कि सेतेले श्वास को छाड़िबे श्वास भरिकि जिबे श्वास छाड़िकि फेरिबे प्रत्येक आसन रे मन रखंतु आपण जेतेले शरीर अपुआड़ होउची देहटा ऊपर आड़ को उठुची सेतेले श्वास को भरिबे आउ जेतेले शरीर डाउनवर्ड होउची आपण तळ आड़ को आसन जो समय रे सेतेले श्वास को छाड़िबे एबे आमे एही क्रिया को बांपटे करिबा बां गोड़ को अधिकर अधिक पछ को नै जांतु डाहाण गोड़ टिके भांगी रखिबे 90 डिग्री रे दुई हाथ को बां को डाहाण को करी धीरे धीरे ऊपर को नियंतु दुई हाथर पापुली एकाठी मिसई देबे प्रणाम मुद्रा मुंड को टिके पछाड़ को मोड़िबे एवं दृष्टि को प्रणाम मुद्रा ऊपर रखिबे श्वास भरी एही क्रिया रहिबे पूर्ण स्थिति रे सबळे जेकोणसी आसन हो पूर्ण स्थिति रे श्वास को स्वाभाविक करिवे आपण जति समय श्वास भरिबे जोडे भरन पर स्वाभाविक करिवे किंतु पूर्ण स्थिति रहिले लाभ मिलिबो एबे श्वास छाड़ी धीरे धीरे फेरि आसीबे आपणकर बाम गोड आगाड को नै आसीबे डाहाण गोड को सीधा करि देबे दुई हाथ को सीधा करि धीरे धीरे देह पाख को फेरे आनिबे बां डाहाण करि पूरा देह पाक फेरी आसला पले ठिया होकर विश्राम करते आपण जानले जे आम जदि ये वीरभद्रासन करवा आमर पिठीर समस्त स्नायुगुड़िक समस्त मांसपेशी गुड़िक सक्रिय रहा सहित प्रभावित होता है फल पिठी जंत्रणा दूर होता है आंठू जंघ बड़ागंठी पाद समस्त अंग गुड़िक सक्रिय हवा फल आमर गोड़ बहुत स्ट्रंग रही थाए आम बहुत समय ठिया विभिन्न काम करसन करने द्वारा एवं गोड़ समस्त मांसपेशी सक्रिय होगा सहित पिठी तथा मेरुदंड एमर नमनीय होता है मेरुदंड जनित जंत्रणा ए दूर होता है तेणु आपण मैने आपणकर आसन गुड़िक करवा भितर वीरभद्रासन को मध्य मझे मझे अभ्यास करूँ पिठी जंत्रणारु तथा मेरुदंड को ठीक रखापी चेष्टा करंतु एबे आमे आपण मानकु शरीर को संतुलन करिया पाई शरीर को संपूर्ण भावे बालांस करिया पाई आमे गोटे आसन प्रदर्शन कराइबु सेटी होची संतुलनासन संतुलनासन अर्थात संतुलन माने बालांस शरीर को बालांस करिया आसन द्वारा आकु प्रदर्शन करेबे आमर भौणी शुभस्मिता एही आसनटी ठिया हे कि आमे करिबा तेणु आसन उपरे से ठिया हो रही आसन को अभ्यास कले आपण शरीर पूरा बालांस हे देखते सुंदर भाव से अभ्यास कराइबे आपण डाहाण गोड़ को पछ आड़ को आंठु पाखरु मोड़ी दिंतु डाहाण हाथ में बड़ागंठी को धरतु एवं गोईठी को नितंब सहित लगे दिंतु बाम हाथ को धीरे धीरे आग आड़ को आनी ऊपर को उठातु
बाम हाथर पापुली आपणकर सामना को रखंतु ठीक सामना को रखिदा बाम हाथ पापुली अति सुंदर शरीर को बालांस करिकी ठिया होंतु विशेष भिड़ आसन नुहे किंतु बहुत लाभकारी यही आसन करिबा द्वारा आमर शरीर संतुलन हेबा सहित मनरे एकाग्रता बुद्धि पाई थाए गोड़र मांसपेशी मजबूत होइथाए आलस्यपण दूर होइथाए श्वास छाड़ी धीरे धीरे गोड़ को पूर्वस्थिति को नहीं जानतु एवं हाथ को धीरे धीरे फेरे आनंतु किंतु मन रखंतु जो मानकर आंठु प्रॉब्लम अछि आंठु फुलीजी बा किछि दर्द आंठु हेजी एवं जो मानकर बात रोग अछि से माने एही आसन करिवेनी काहे कि ना बात रोग थिले बेले बेले गोटे आसन बैलेंस करि कला बेले बात रोग आसी जाय पारे बा आंठु रोग थिले आपणे आकु कले आंठु जेतु मोड़ी के आंठु को करुछंती आंठु ऊपर प्रेशर आसुची आंठु प्रभावित होउची तेणु जो मानकर आंठु प्रॉब्लम अछि तांके असुविधा तो आंठु प्रॉब्लम वाले एवं जो मानकर बात रोग अछि से माने आकु करिवेनी एक क्रिया को आम एवं अन्य पाखे करवा बाम गोड़ को आंठू पाखु भांगी दिंतु बाम हाथ में बड़ागंठी को धरतु टाणी के आनी गोईठी को नितंबरे लगे दिंतु डाण हाथ को आग आड़ को धीरे धीरे ऊपर को उठातु डाण हाथ पापुली सामना को रे सामना आड़ को मोड़ी पापुली रखु एवं श्वास भरिकी आपण ये क्रियाटी को करंतु अति सुंदर भाव रे अभ्यास करउछंती एथिरे आम सारा शरीर संतुलन होइथाय बैलेंस होइथाय गोटिए गोडरे ठिया होइकि ए आसन करिवारु मनरे एकाग्रता शक्ति बढ़िथाय गोडर मांसपेशी मजबूत होइथाय नमनीय होइथाय आलस्यपण दूर होइथाय पास छाड़ी धीरे धीरे बाँ गोड़ को तल को फेरे नियंतु डाण हाथ को आग आड़ को करी देह फाक को फेरे नियंतु आसन उपरे ठिया हुआंतु आमे आसन टी ठीक भावे जानिया पाई कारण पछ पाखे गोईठी नितम सहित तो किपरी लागी रहुची ताकु ठीक देखिया पाई आमे भौनी आमर टिके डाण को बुली जिबे शुभस्मिता भौनी टिके डाण को बुली जाओ एबे आमे एक क्रिया को गोटे पार्श्वर गोटे साइड रु आपन को देखौछु आम दर्शक मान देखंतु गोटे साइड रु वर्तमान डाण गोड़ को धीरे धीरे आंठू पाखरु पछाड़ को भांगी दियंतु डाण हाथ में बड़ागंठी को धरंतु एवं गोईठी को नितम सहित लगे दियंतु बाम हाथ को आगाड़ को करी धीरे धीरे ऊपर को उठातु बाहु कानस्थ लागि रहइबो पापुली सामना आड़ को रहइबो श्वास भरी एही पोजिशन रे रुहंतु कारण आसन रे जेतिके समय आपण रहिबे आपण सेतिके तार लाभ पाई परिबे एथिर आम शरीर को बैलेंस करुचे ना आखि खोला रखिबे जो माने आरंभ रु अभ्यास करते आखि खोला रखिबे श्वास छाड़ी धीरे धीरे डाहाण गोड़ को सीधा कर दियंतु एवं बाम हाथ को तल को देह पाख को फेर नियंतु एक क्रिया को आमे बाम पाखरे करिबा बाम गोड़ को आंठू पाखरु भांगंतु पछवाड़ को नहीं जातु बाम हाथ में बड़ा गंठी को धरंतु बाम गोड़ गंठी को एवं पाद को टाणी आपणकर गोईठी को नितम सहित लगातु डाण हाथ को आग आड़ को धीरे धीरे ऊपर को उठातु बाहु कान सहित लगि पापुली सामना आड़ को पापुली सामना को रखु टिके सीधा करी श्वास भरी यही पोजिशन रुहतु केते सुंदर भाव में शरीर को से बालांस करी शुभस्मिता भौणी ठियाई श्वास छाड़ी धीरे धीरे आम गोड़ को सीधा कर दियंतु
एवं डाण हात को तल को नहीं आसतु सामना को मुह कर ठिया हूँ एथिरे मनर एकाग्रता वृद्धिप्राप्त होता है आपणकर गोड़ हात मांसपेशी गुड़िक आंठू इसर मांसपेशी गुड़िक नमनीय होता है आलस्यपण दूर होता है तेनाली आपणकर नियमित योगाभ्यास सहित ये संतुलना स्वर को अभ्यास करूँ आपण स्वर को संतुलन करूँ बालांस करूँ निजे सुस्थ रुहतु एक सुस्थ समाज गठन करूँ एवं आमर आसन कार्यक्रम सरी जा भौणी शुभस्मिता एवं आसन उपर बसी जातु एवं बसिकरी विश्राम करूँ एवं आम टे हलदी विषय आलोचना करवा आमर दैनंदिन जीवन में हलदी एक नितांत उपयोगी पदार्थ जहाँकि आमे प्रत्येक प्रकार तरकारी रे जदि हलदी पकेबानी ताले ताहा स्वादिष्ट हेबो नाही कारण हलदी रे एक आंटी ऑक्सीडेंट पदार्थ अछि जहाँकि आमर समस्त पीड़ा शरीर दूर करिथाए तत्सहित शरीर रे रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेथाए जदि आप दांत बिंधा होपण शरीर रे टिके हलदी आउ महु एकु चकटिक गुला करी दांत पाखे लगे दिंतु देखिए आप दांत बिंधार उपशम पाइबे जदि पाटी रे घा भी होउची आपण से हलदी महु को मध्य सेठे लगे दिंतु किछि समय पर 10 मिनिट पर आप लुण पाळी रे कुली करि दिंतु देखिए आपण केते उपशम लागिबो एवं आपण वर्तमान जो कोरोना महामारी आसी शरीर को इम्यूनिटी पावर बढ़ेवाई रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेवाई प्रत्येक दिन गरम क्षीर सहित आपण टिके हलदी पकांतु ताकु मिसेकी सबुदिन अति कम रे गोटे कप क्षीर पियंतु गोटे ग्लास क्षीर पीले आहुरी भल गोटे ग्लास क्षीर रे आपण गोटे छोट स्पून रे गोटे चामच हलदी पकेई ताकु पियंतु देखिए सुंदर भाव में आपणकर शरीर इम्यूनिटी पावर बढ़िबो एवं रोग प्रतिरोधक शक्ति आपण बढ़ी पारिबो आपण कोरोना भरी महामारी को मध्य सामना करि पारिबे आउ जदि आपणकर हात पाद फाटुची ताहाले आपण हलदी को किछि खीर रे गोळेई दियंतु आउ राती रे लगेगी ताकु सुअंतु एवं देखिबे आपणकर हात पाद फाटीबा दोष दूर हेबो एवं आपणकर गोटे सुंदर पाद बा हात ठीक हो जाव फटा पादर फटा हाथ रही एते सुंदर जिनस आम हलदी पाचे तेणु हलदी आपण व्यवहार करतु दैनंदिन जीवन में आप सुस्थ रुहतु आनंद रुहतु आज कार्यक्रम को आम ये रखा आमर भौणी शुभस्मिता आज आम कोते गुड़े आसन अभ्यास कराइवर तुम अशेष धन्यवाद कार्यक्रम समाप्त करुचे ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पुन्नात् पुण्यमुद्यच्यते पुन्नस्य पुन्नमादाय पुन्नमेवा वशिष्यते ओम शांति 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 ओम। प्रार्थना आमो आनंदर उत्सव।